bismillah rahman raheem assalamu alaikum welcome back to remedies academia with a new video please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time i have a new video let's start with today's topic that is the kidney and structure of kidney basically kidney is the one of the major organ in the abdomen it removes the waste and extra water from the blood and help keeps chemical such as sodium potassium and calcium balance in the body Moving towards the structure of kidney, basically, kidney is the dark red bean shaped organ as shown in figure. Each kidney is 10 cm long, 5 cm wide, and 4 cm thick and weighs about 120 or 150 grams. They are placed against the back wall of abdominal cavity just below diaphragm, one on either side of vertebral column.

इसमें दो रिब्स जो लास्ट वाली टू रिब्स होती हैं उसने इन्हें प्रोटेक्ट करवाया हुआ वा होता है और इसमें जो जैसे बताया गया है कि किडनी जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी होती है और राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वन स्ट्रक्चर ऑफ़ किडनी जैसा कि आप लोगों की बुक में मेंशन है उसके अंदर आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे थे तो उसके लिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना दिया है जिसमें आपने ये सारा डिस्क्राइब किया गया बहुत इजी वे में अगर आप इसको समझ लोगे तो इसके नोट्स आपको आगे मिल जाएंगे पॉइंट्स की सूरत में जो लिखे हुए हैं तो आप देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की इसमें तीन बातें की गई हैं कि कॉनकेव साइड किडनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में तीन चीजें हैं एक कॉन्केव साइड दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और तीसरा उसका फंक्शनल यूनिट जो कॉन्केव साइड होती है उसमें जो इसके पास आपके पास आपके आ जाता है कि इसमें ओके स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में मैं आपको बता रही हूँ इसमें तीन मेन बातें हैं कॉन्केव साइड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड फंक्शनल यूनिट अगर आप इसे फ्लो चार्ट की सूरत में याद कर लोगे तो आपको हर पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको वर्डिंग लिखने में आसानी होगी कॉन्केव साइड जो है इसकी वो फेस करती है वर्टिकल कॉलम को और इसमें जो डिप्रेशन होता है उसमें हाइलस होता है हाईलस यानी कि सेंटर ऑफ द कॉन्केव साइड ऑफ किडनी प्रेजेंट है ठीक है इस एरिया में यानी कि जो हाईलस वाला एरिया है यहाँ पर यूरेटर होता है जो किडनी को लीव कर देता है और बाकी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड नर्व्स जो इंटर होती हैं और लीव्स द किडनी ठीक है अब जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आ रहा है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला ठीक है आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स का किडनी का उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और वो डार्क रेड इन कलर होता है और जो इनर पार्ट होता है किडनी का उसे रीनल मेड्यूला कहते हैं जो कि पेल रेड यानी कि हल्का सा रेड कलर का होता है इसमें कौन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं कौन शेप्ड एरियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें के रीनल पैरामिट्स कहा जाता है और रिनल पैरामिट्स जो है फर्ड फर्दर आके जो मूव करते हैं उनकी फनल शेप कैविटी बन जाती है जिसे रिनल पेल्विस कहते हैं और वो यूरिटर की बेस होती है ठीक है अब आप देखो फंक्शनल और किडनी जो फंक्शनल किडनी है उसका जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट उसे नेफ्रॉन कहते हैं और हर किडनी के अंदर मिलियंस नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं फंक्शनल किडनी मेनली फंक्शनल यूनिट जो इसका यानी कि नेफ्रॉन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल रिनल कॉर्सूल रिनल ट्यूब्यूल तो जैसे नेम से इंडिकेट है कि वो ट्यूबुलर फॉर्म में होगा लेकिन जो आपके पास रिनल कॉर्पस्कल है ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ट्यूब्यूल फॉर्म नॉट ट्यूबुलर ये फर्दर टू टाइप्स में यानी टू स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुआ हुआ है दैट इज ग्लोमिरुलस कैप्सूल एंड वुमेंस कैप्सूल जो कैपलरीज होती हैं यानी कि जिन्होंने आर्टरीज और वेंस को जॉइन किया होता है ये पूरा उनका नेटवर्क होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल और जो वोमेंस कैप्सूल है वो कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसने ग्लोमेरुलस को कवर किया हुआ होता है ठीक है अब के, के फौरन बाद ही जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं रिनल ट्रिब्यूल अब रिनल ट्रिब्यूल देखें उसके थ्री पार्ट्स होते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे प्रो, आ, प्रोक्सिमल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल कहते हैं उसके बाद जो यू शेप का स्ट्रक्चर होता है उसे लूप ऑफ लूपोफेनली कहते हैं एंड देन उसके जो एंड वाला स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्विनेटेड ट्रिब्यूल यानी कि जो ट्यूब्स की फॉर्म में था फ्रंट वाले को अप्रोक्सिमलट दरमियान में उसकी यू शेड आ जाएगी उसे लूप ऑफ एंडली और जो लास्ट वाला है वो उसे डिस्टल कॉम्विनेटेड ट्रिब्यून इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं और वो सब कलेक्ट होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में जब सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में ज्वाइन हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स यानी कि मेड अप ऑफ मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स और जो कि इधर जाके एम होती हैं रीनल पेल्विस में फिर ये स्ट्रक्चर दोबारा से जो स्ट्रक्चर है वो सर्कुलेट करता रहता है अब देखो आप जैसे कि अब आप लोगों को ये किडनी के स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ठीक है अब आपको वो फ्लो चार्ट था वो आप जब कॉपी में मेरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा अब उसके आप फर्दर पॉइंट्स बनाते जाओ कि आपने पहले किडनी की स्ट्रक्चर बनाना है बिल्कुल ऐसे ही कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि इसमें किस कौन कौन सी चीज़ें जो मेनली हैं कौन केव साइड जहाँ पर आपको पता चलेगा कि उसको हम कहते हैं हाई ठीक है यानी कि हाई लेस यहाँ पर डिप्रेशन होता है ठीक है ओके okay, फिर जो दूसरा है नीचे आपको नज़र आ रहा है कि यूरेटर जहां से वो किडनी को लीव कर देंगे ठीक है और मेन पार्ट जो इसके रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला दोनों इंडिकेट हुए हैं आपको डायग्राम में और रिनल कॉल्टेक्स का भी बताया हुआ है कि ये आउटर पार्ट है जो कि बहुत सारा डार्क कलर में और रीनल मेड्यूला आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि इसकी पेल रेड कलर में से बहुत सारी जो कौन से अपड एरियाज हैं वो प्रेजेंट है ठीक है और फिर ये जाकर कहाँ अटैच होती हैं बेस ऑफ यूरिटर में क्लियर आप देखो आप आगे कि फंक्शनल यूनिट जो मैंने आपको सारा बता दिया था अब इस डायग्राम पे अगर आप आ जाओ तो देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपके पास बिल्कुल ये कॉर्मलेटेड ट्रिब्यूल से ठीक है जो लास्ट वाला ये यूनिट है आपके पास नेफ्रॉन का जो हम थर्ड बात कर रहे थे फंक्शनल यूनिट है ठीक है अब इसमें आपके पास सबसे पहला आ जाता है रीनल कॉरपस्कल ठीक रीनल कॉर्पस्कल ट्यूब फॉर्म में नहीं है सही और दूसरा आपके पास जो आ जाता है रिनल ट्यूब्यूल अब उस रीनल ट्यूब्यूल में आपको दोनों नज़र आ रहे हैं के पहले आपको उन्होंने प्रॉक्सिमल कम्यूनिटी ट्यूब्यूल बताया हुआ है फिर उसके बाद लूप ऑफ फैलनी सारा दिखाया हुआ है और फिर एट द एंड आपके पास डिजिटल कम्यूनिटी ट्यूब्यूल है फिर वो नीचे जब देखें आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर कैसे कलेक्टिंग डक्ट्स आ रहे हैं और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो कैसे आपको यूरिटर से वो रिलीज हो जाता है ठीक है अब आप लोगों ने फ्लो चार्ट की शुरू में इसको याद करना है फिर उस फ्लो चार्ट के बाद आप सारे पॉइंट्स बनाते जाएंगे साथ साथ डायग्राम बनाओगे ठीक है अगर आपको कोई पॉइंट कहीं पर क्लियर नहीं हुआ तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछो अभी तो फिर मैं आप लोगों को उसका आंसर बता देती हूँ ठीक है थैंक यू